सुशांत सिंह राजपूत ने अपने एक वीडियो में जिक्र किया था कि उनकी जिंदगी में दो ही दोस्त हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है। उनमें से उनकी एक जो दोस्त है सेलिब्रिटी मैनेजर और उनकी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, उसने एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत पोस्ट लिखा है, चौंकाने वाला पोस्ट है और अपनी तस्वीरें कुछ उन्होंने शेयर की है। रोहिणी अय्यर हैं ये। मुंबई में जब आए उन्होंने अपने स्ट्रगल के डेज शुरू किए, तब से रोहिणी जो है उन्हें जानती हैं, उनके साथ काम भी किया। और वो लिखती हैं, उन्होंने एक बहुत ही लंबा चौड़ा दरअसल पोस्ट जो है शेयर किया है सभी के लिए, ताकि सब जान सके कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। दिस हैज टू बी सेड, माई बेस्ट फ्रेंड इज नो मोर। आई स्टिल हैव अ ब्लडी हार्ड टाइम एक्सेप्टिंग दैट एंड वेन एवर आई चेक सोशल मीडिया टू चेक अप ऑन द ऑन हिम, पेडलर्स पुशिंग देयर एजेंडा टू प्रमोट देमसेल्व एंड देयर कॉजेज, एवरी सिंगल पर्सन हु वॉन्ट्स देयर टू बिट फेम हैज एन ओपिनियन ऑन हिज लाइफ। फर्स्टली ही डिडंट गिव अ फक अबाउट फेम और योर ओपिनियन, ही डिडंट केयर अबाउट दीज पीपल हु आर बिजी पोस्टिंग अबाउट नॉट बींग इन टच विद हिम। फॉर द रिकॉर्ड, ही डिडंट केयर अबाउट बींग इन टच, ही हेटेड फेक फ्रेंड्स, फोन कॉल्स एंड स्मॉल टॉक, ही रिजेक्टेड यूर पार्टीज, यू डिडंट शन हिम, ही रिजेक्टेड यूअर लॉबीज, ही डिडंट नीड कैंपस, ही हैड हिज ओन किंगडम। उसके बाद जो है वो सब कुछ बता रही है कि किस तरह से उनको 100 करोड़ क्लब में आने का कोई शौक नहीं था, यहाँ तक कि वो अवार्ड शोज भी छोड़कर चले जाया करते थे। उन्होंने जिक्र किया है कि एक अवार्ड शो में तो उनका अवार्ड अनाउंस तक नहीं हुआ था और उससे पहले ही वो चले गए थे क्योंकि वो बोर हो रहे थे। उनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी, फिल्म इंडस्ट्री उनकी दुनिया का एक छोटा हिस्सा ज़रूर था, लेकिन उनको गिटार बजाना बहुत पसंद था। ही वॉज अ सिंपल एज क्वांटम फिजिक, वो क्रेजी जीनियस थे, उनको जो है एस्ट्रोनॉमी की बातें करना बहुत पसंद था, वो पोएट था, वो लिखता था और वो कहते हैं कि उसको जो है चैरिटी करता था, उसको मार्स पे जाना था, उसको साइंस प्रोजेक्ट की बातें करता था, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था कि फिल्म इंडस्ट्री उसके लिए इतनी मायने वाकई में नहीं रखती थी। और जितने लोग आज उसके लिए पोस्ट करके कह रहे हैं कि सॉरी हम तुम्हारे टच में नहीं थे, तो इनका ये कहना है उनकी दोस्त का कि कोई ज़रूरत नहीं है, उसको भी तुम्हारी कोई नहीं पड़ी थी, ना ही वो तुम्हारे टच में रहना चाहता था, उसको तुम्हारी पार्टीज का भी कोई लेना देना नहीं था। तो उन्होंने इस तरह के दो पोस्ट डाले हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उसको फेक फ्रेंड, फेक कॉल्स और फेक लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और इसीलिए वो अपनी चीज़ों में बिजी रहता था। उसको आर्ट, कल्चर, स्टार्स, पोइट्री, बुक, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए बहुत मायने रखती थी। आई थिंक उसके सिर्फ 3 ही दोस्त थे, उसमें से एक मैं थी। ही टच एवरी सिंगल पर्सन लाइफ एंड पाथ ही क्रॉस, बट आई डू प्रोटेक्टिंग हिज लेगेसी। वो कह रहे हैं कि मुझे मालूम है एंड यू नो वॉट, ही डिडेंट केयर अबाउट ऑल ऑफ यू, यू आर डम ओपिनियंस देन, ही वॉन्ट केयर एनी लेस नाउ, बट आई डू। प्रोटेक्टिंग हिज लेगेसी इज इम्पॉर्टेंट टू मी, सो सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट वंस एंड फॉर ऑल ऑफ यू। तो उनकी जो ये सेलिब्रिटी मैनेजर हैं, जो उनकी बहुत करीबी रही हैं, उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी थी, कैसा उन्हें पसंद था, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद था, उनके सपने क्या थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब वो कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, उनको खुद को भी इन सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि अब जो है जो परिवार के बयान आ रहे हैं, दोस्तों के बयान आ रहे हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि सुशांत की ज़िंदगी में आखिर में ऐसा क्या था। कई बार उन्होंने खुद नेपोटिज्म की बात की है, उन्होंने खुद ये बात की है कि मेरे ज़िंदगी में दो ही दोस्त थे, पहली बार मिलता है कोई तो बात सुन लेता है, लेकिन दूसरी बार से मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता था क्योंकि उनको मेरी बातें इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी। तो कहीं ना कहीं रोहिणी भी यही सारी बातों का जिक्र करती हुई नज़र आ रही है।